दीन ने हंस के सब काए मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सब काए मन, सखीरी मेरो राधा रमन। Yeah, I got it.
कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि।
सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री नारद जी कहाँ तक पहुँचे थे, कहाँ तक पहुँचे, कैलाश पर्वत तक पहुँचे, और उन्होंने कहीं से देखा शंकर जी अकेले नहीं, उनका जो पूरा परिवार वैष्णव परिवार है, शंकर जी, माता पार्वती, गणेश और कार्तिक, और सबके सब मिल करके भगवान का नाम कीर्तन, सबके सब हरिनाम कीर्तन करते हैं, और भगवत भक्ति में, हाँ भगवत भक्ति में पूरा का पूरा भगवत भक्ति में मस्त। सब दरवाजा मुझे बंद कर दो, सब बाजी बाजी छोड़ रहे हैं, सबके सब भक्ति में मस्त हैं सबके सब हैं। तब श्री नारद जी शंकर जी की खूब उन्होंने महिमा को शंकर जी को गाई, गाने के बाद श्री शंकर जी बड़े शंकर जी लज्जित हो गए, लज्जित होकर के बोले मेरे को कह रहे हो मैं भगवान का प्रिय हूँ, मेरे अंदर में भक्ति का भाव नहीं है, भक्ति का भाव नहीं, इसलिए शंकर जी की ये भक्ति का एक स्वभाव है, जिसको अंदर में जितने भक्ति आएगा वो अपने आप को उतना छोटा बनेगा, कभी अपने आप को बड़ा नहीं मानेगा, कहती ये भक्ति का एक लक्षण है। अगर भक्ति करते हुए अगर हमारे अंदर में अभिमान आ रहा है, घमंड आ रहा है, तो क्या समझनी चाहिए, हमारे अंदर में भक्ति हमारे अंदर में नहीं है। भक्ति होता तो अपने आप का हम अपना दीनहीन मानते, ये भक्ति का एक लक्षण है। इसलिए जब उन्होंने शंकर जी की कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, शंकर जी की जब खूब महिमा गाई, एक समय श्री चित्रकेतु महाराज उन्होंने अपना पत्नियों को लेकर के विमान में बैठ करके भ्रमण करते करते पहुँचे कैलाश को ऊपर में। जब कैलाश में पहुँचे वहाँ पर शंकर जी अपना पत्नी पार्वती को गोद में लेकर के ऋषि मुनियों को सामने में सारे शास्त्र को व्याख्या कर रहे थे। जब व्याख्या कर रहे थे इतने में इनके जो गुरु है, शंकर जी का गुरु कौन है, कौन है शंकर जी के गुरु जी, कहते श्री शंकरसन बलदेव प्रभु। और चित्रकूट महाराज का गुरु कौन है, कहते वो भी शंकरसन से बलदेव प्रभु है। इसलिए ये आपस में गुरु भाई लगते हैं। आप देखना जब आपस में कोई गुरु भाई लगे बराबर है ना, इसलिए कभी कभी हम हंसी दिल के आपस में बराबर में हंसी दिलक करते हैं, उच्चे और नीचे में हंसी दिलक नहीं करनी चाहिए, बराबर में हंसी दिलक करते हैं। इतने में श्री चित्रकेतु महाराज थोड़ी सी हंसी दिलक कर दिया, यद्यपि वो शंकर जी को जानते हैं, शंकर जी परम वैष्णव है, सत्यम शिवम सुंदरम देव देव महाजोगी और जोगी जोगी महाजोगी श्री भोले बाबा, शंकर जी की महिमा जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी साधारण लोग शंकर जी की ये चरित्र को देख करके उनके ऊपर में कोई उपहास नहीं करते, इसलिए हम लोगों को सावधान के लिए शंकर जी थोड़ी सी हंसी दिलगी कर दिया। क्या बोले, बोले भैया पत्नी को तो एकांत में कोई गोद में लेकर बैठते हैं, और तुम भरी सभा में, फिर भरी सभा नहीं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए, और इनको सामने तुम अपना पत्नी को पार्वती को गोद में लेकर के फिर ऋषि मुनियों को ज्ञान की बात बता रहे हो, ये कौन सा व्यवहार तुम्हारी। बस इतना सुनते ही पार्वती तो क्रोधित हो गए, हैं क्रोधित हो गए। बोले क्रोधित क्यों हो गए, देखो इसमें भी कारण है, क्रोधित होने का कारण है पार्वती का इष्ट कौन है, शंकर जी, शंकर जी को सेवा पूजा करते हैं ना पार्वती, अपना पति है, हैं इसलिए नियम है अपना पति की, अपना गुरु जी की, श्रेष्ठ वैष्णव का कभी भी निंदा नहीं सुननी चाहिए।
अगर कहीं अगर निंदा हो रही है इसको सहन नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहता है अगर कहीं गुरु जी का कोई निंदा कर रहे हैं, बड़े वैष्णव का, ठाकुर को कोई निंदा कर रहे हैं, नहीं सुननी चाहिए। ऐसे नहीं उनको साथ में ताल लगा दो, वो भी निंदा कर रहे हैं, हम भी पीछे लगे जाएंगे निंदा करने के लिए, नहीं, सावधान। इसलिए वहाँ पर बताए तुम्हारी समर्थ हो तो उसका जुहा काट दो। जुहा काट दो मतलब क्या है? मतलब ऐसे शास्त्र ऐसे जुक्ति तर्क दे करके उसको बात को खंडन करो, उसको बात को खंडन करो, उसको बात को हैं। अगर कोई गुरु वैष्णव का कोई निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए तर्क भी, नहीं तो कान में अंगुल दे करके वहाँ से चले जाओ, नहीं तो सवस्त्र में गंगा में नहा करके आओ। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव का निंदा नहीं सुननी, करनी नहीं चाहिए और सुननी भी नहीं चाहिए, मना किया है। इसलिए यहाँ पर पार्वती का इष्ट समझो शंकर जी, अपना पतिदेव है और उनको हर समय प्रभु की भजन करते हैं शंकर जी, इसलिए पार्वती को क्रोध आया। बोले क्या, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बैठे हुए, शंकर जी को कोई नहीं समझ, भाई तू ही समझ गया शंकर जी को? पहले मैंने बताया था ना, शंकर जी पार्वती को गोद में क्यों बैठा कर रखे हैं? बोलो किस लिए? शंकर जी पार्वती को गोद में क्यों बैठा कर रखे, पहले मैं बताया था ना। हाँ, इसलिए शंकर जी अगर कहीं भी पृथ्वी में किसी कोने में क्यों नहीं हो, एक बार अगर कोई व्यक्ति राम का नाम, अगर वो कोई कृष्ण का नाम लेता है, शंकर जी समझ जाते ये परम वैष्णव है। शंकर जी वहीं से प्रणाम करते, वैष्णव भगवान की भक्ति करते, इसलिए शंकर जी उनको प्रणाम करते हैं। अगर एक बार कोई राम का कृष्ण का नाम ले, अगर शंकर जी प्रणाम करे, पार्वती क्या करती हैं? हर समय पार्वती भगवान के नाम हर समय, आठ हाथों में देखना एक हाथ में माला है, और पार्वती दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसलिए हर समय हरिनाम करती हैं। अगर जो व्यक्ति हर समय हरिनाम करे, इसलिए शंकर जी की बड़े प्यारी है, इसलिए शंकर जी उनको अपना गोद में इसलिए बैठा करके रखती हैं। और भगवान कथा को सुनने की वो सबसे बड़े श्रोता श्री पार्वती। देखो अगर श्रोता अगर कथा नहीं सुने ठीक ठाक ना, जो वक्ता है ना वो बोल नहीं सकता है। अगर श्रोता अगर सो जाएगा, वक्ता फिर वक्ता रहेगा। इसलिए कहते श्रोता की भावना को देख करके वक्ता की मूड आता है, हैं मूड आता है। इसलिए पार्वती सर्वश्रेष्ठ श्रोता पार्वती, कभी भी कथा में उनकी अरुचि कभी नहीं। जब कथा सुना पार्वती कान खड़े करके एकदम सतेज होकर के माता पार्वती भगवान की कथा सुनते हैं। इतने में जब श्री चित्रकेतु महाराज ने बोल दिए हैं पार्वती को, इतने में पार्वती बिगड़ गई और उनको अभिशाप दे दिया। बोले जाओ तुम राक्षस जोनि में चले जाओ, शंकर जी को उपदेश। लेकिन शंकर जी को उपदेश, इतने में चित्रकेतु महाराज ने क्रोध नहीं किया। पार्वती ने, पार्वती माँ है, बोले माता जी ये तो माँ का आशीर्वाद है, माँ जो कुछ दे बेटे के लिए अच्छे अच्छे के लिए। बोले माता जी बहुत अच्छी बात, आप जो अभिशाप दिया मैं तो इसको ग्रहण करता हूँ, लेकिन मेरे को इतना ही आशीर्वाद दो, भले ही मैं जिस जीवन में क्यों नहीं जाऊँ, जैसे भगवान की भक्ति कभी नहीं भूलूँ, हर समय भगवान की भक्ति करते रहूँ। जब ये बात बताए ना, शंकर जी पार्वती को डांट लगा दी। बोले पार्वती तू देखने में ऊपर से जितने सुंदर है ना, अंदर से उतना सुंदर तू नहीं हो, केवल देखने में ऊपर से सब सुंदरी हो, हैं? अरे ये मेरे गुरु भाई लगते हैं, बोल दिया तो क्या हो गया? अभी तो मैं उत्तर देने वाला था, मैं तो एक पत्नी को लेकर बैठा और तू तो इतने सारे पत्नी को लेकर आकाश में घूम रहे हो, लेकिन तू बीच में टपक पड़ी। बीच में टपकने का तुमको क्या जरूरत था, हैं? इसलिए यहाँ पर कहते श्री शंकर जी चित्रकेतु महाराज ऐसे बोले, तभी शंकर जी कोई क्रोध नहीं किया उनको, कोई क्रोध नहीं किया, अपमान करने पर भी उन्होंने उनको पी लिए, हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। ऐसे शंकर जी भगवत भक्ति में क्रोध उनका अंदर में क्रोध आता ही नहीं, क्यों? प्रभु का भजन में डूबे रहते हैं, प्रभु की
भक्ति में शंकर जी डूबे रहे थे, इसलिए उनके अंदर में कोई क्रोध नहीं आता है। जब उनने शंकर जी की खूब महिमा गाई, शंकर जी की खूब महिमा गाई, शंकर तो सुनकर के लज्जित हो गए, बोले हे भगवान। क्योंकि वैष्णव का एक स्वभाव है, वो कभी भी अपना प्रशंसा नहीं सुन सकते हैं। और जो अपना प्रशंसा सुनने के लिए चार कान लगा रहते ना भैया, वो हो सकते हैं, वो साधु नहीं हो सकते। जो हर समय चाहते हैं हमारी गुणगान हो, हमारी खूब प्रशंसा सब लोग करें और इसको सुने, और थोड़ी सी अगर इधर उधर बात बोले ना भड़क जाए, नहीं, इसलिए वो वैष्णव नहीं हो सकते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी अपना महिमा को सुन करके उन्हें खुश नहीं हुए, हैं? शंकर जी खुश नहीं हुए। शंकर जी बोले हे भगवान, इतना महिमा तुम गा रहे हो, और तुमने बताया भगवान कृष्ण मेरी उपासना किया, क्योंकि उनको एक रानी की बेटा नहीं था ना, एक रानी की बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने शंकर जी की उपासना की और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया, उनको बच्चे हुए। बोले हे भगवान, ये प्रभु का माया समझना बड़ा कठिन है, ये ठाकुर जी को माया समझना बड़ा कठिन, ठाकुर जी को मैं वरदान दूंगा जो तुम्हारी बच्चे होगा, हाँ, ये कितने हैं, कितने नीचे बात है। इसलिए शंकर जी बड़े दुखी हो गए। फिर शंकर जी को अंदर में कमी किया, शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले देखो, अगर मैं भगवान का इतने प्यारा होता, जिस समय भगवान एक पारिजात वृक्ष के लिए भगवान कहाँ स्वर्ग में गए थे, इंद्र को उन्होंने प्रार्थना की मेरी पत्नी सत्यभामा की मान हो गया, एक पारिजात वृक्ष चाहिए, इंद्र तो दिया ही नहीं, जितने 33 करोड़ देवता थे ना, सबके सब कृष्ण विरोध में युद्ध करना शुरू कर दिया, वो भोले बाबा भी थे उसमें, श्री भोले बाबा भी थे। कहते अगर मैं भगवान का प्रिय होता, मैं कभी भगवान का विरोध में कभी जाता, युद्ध करता नहीं, युद्ध करता। फिर कल सुन रहे थे जब बाणासुर को, बाणासुर की बेटी उषा को साथ में जब अनिरुद्ध का प्रेम हो गया, शंकर जी पूरा बाणासुर का पक्ष ले लिया, बोले चलो कोई चिंता नहीं, हाँ कोई चिंता नहीं, चलो तेरे साथ में हम युद्ध करेंगे, हम कृष्ण को लड़ करके दिखा देंगे। यहाँ पर भी युद्ध किया। फिर एक काशी राजा था, काशी का एक राजा था, उसने श्री शंकर जी को उपासना की। शंकर जी को उपासना करते हुए शंकर जब प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, बोले हम द्वारकाधीश को साथ में लड़ाई करना चाहते। शंकर जी बोले मैं हूं ना, चलो तेरे साथ में मैं चलता हूँ। शंकर जी काशी राजा को साथ में हो गए, बोले चलो हम कृष्ण का विरोध में युद्ध करेंगे, युद्ध किए। इतने में भगवान कृष्ण ने छोड़ दिया अपना सुदर्शन चक्र, छोड़ दिया तो पहले तो काशी राजा का गला को काट दिए, काशी राजा को गला को काट करके फिर काशी में गया, चक्र पूरा काशी को जला करके राख बना दिया। फिर भोले बाबा को पीछे पड़े सुदर्शन चक्र, ए शंकर जी मारे मारे भटकते रहे, जहां जाए चक्र उनको पीछा नहीं छोड़ रहा है। लास्ट में श्री शंकर जी श्री जगन्नाथ जी के चरण में आए, हैं जगन्नाथ जी के चरण में, बोले प्रभु मेरे को रक्षा करो, प्रभु मेरे को रक्षा करो, हैं। भगवान ने बोले भोले, तू भोले मतलब इतना भोले हो जो कि तू मेरे साथ में लड़ाई करने के लिए तैयारी हो गया। बोले क्या बताऊं, देखना शंकर जी को अक्सर करके भक्ति करने वाले कौन, सब राक्षस है, बाणासुर अघासुर हैं, रावण, ये जितने देखोगे जितने राक्षस है सब शंकर जी को भजन करते हैं। कदि ये सब दुष्टों का संगत में रहते रहे ना, मेरा बुद्धि भी खराब हो गया, अरे ये मेरे भजन करते करते मेरी बुद्धि खराब कर देते हैं, क्योंकि जैसे व्यक्ति का संगत को करोगे जैसे संगत वैसे रंग चढ़ेगा, इसलिए इन्हीं रंग मेरे ऊपर चढ़ जाता है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। इसलिए प्रभु जगन्नाथ जी बोले प्रभु जी एक काम करो, बोले क्या है, बोले मेरे को आप अपना चरण में स्थान दे दो, आपका चरण में रहूंगा ना ये बुद्धि मेरा सही रहेगा, ठिकाना में लगी रहेगी, लेकिन आपका चरण से अलग होने से मेरी बुद्धि खराब हो जाता है। भगवान बोले ठीक है, यहीं पर रहो। कहाँ पर, उन्होंने भुवनेश्वर में लिंगराज रूप में, और वहाँ पर एक शिवलिंग है जिसमें 1 करोड़ शिवलिंग, जिसमें आप लोग भुवनेश्वर गए हो, कौन भुवनेश्वर गए, माता जी गए, हाँ आप देखना, 1 शिवलिंग में 1 करोड़ शिवलिंग है, कभी ये चीज़ें आप नहीं देखे होंगे, इतनी सी होकर के 1 शिवलिंग में 1 करोड़ शिवलिंग, और वहाँ पर एक शिवलिंग है, उनका नाम लिंगराज, क्या नाम है, लिंगराज, लिंगराज मतलब जितने शिव में राजा है, इतने बड़े शिवलिंग
इतने बड़े कब आप जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे इतने बड़े शिवलिंग, विशाल एक घर जैसे, और जिसमें गंगा जमुना की धार है, जिसमें हरिहर एकात्मा, जिसमें हरिहर दोनों का आप स्पष्ट रूप में देखेगा, गंगा जमुना की धार उसमें एक शिवलिंग में, इसलिए उनका नाम लिंगराज मंदिर। बोले प्रभु अपना चरण में हमें स्थान दे दो। बोले ठीक है। बोले और एक काम करना पड़ेगा। बोले प्रभु क्या है? बोले आप मेरे पास में रहो और आपका प्रसाद मेरे को देते रहो, क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, इसलिए आप मेरे को प्रसाद देते रहना और अपना दर्शन देंगे तो मेरी बुद्धि सही रही। इसलिए हम लोग कहीं शंकर जी के नियम है, वैष्णव लोग कभी भी शंकर जी का डायरेक्ट कहीं प्रसाद नहीं लेते हैं, और हमको नहीं लेनी चाहिए शंकर जी का कोई प्रसाद, लेकिन हम केवल भुवनेश्वर में लेते हैं। बोले क्यों? बोले सबसे पहले वहाँ पर श्री अनंत वासुदेव भगवान, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, पहले प्रसाद उनको भोग लगता है, फिर वो प्रसाद श्री शंकर जी पाते हैं। जब भगवान को कोई चीज़ भोग लगे वो हो जाता है महाप्रसाद, लेकिन वही प्रसाद जब श्री शंकर जी को नहीं तो पार्वती को भोग लगे, फिर उसका नाम महा महाप्रसाद, उसका नाम महा महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए केवल हम लोग वहीं पर श्री शंकर जी की प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए वहाँ पर श्री शंकर जी का भी अगर भाग्य होगा इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा में, सब तैयार रहना। ठीक है, कौन कौन जाएगा? हाथ उठा, पहले इच्छा करके तब तो जाओगे ना, हाथ उठा तो उठाओ, बिना पैसा में जाओगे। इसलिए नवद्वीप परिक्रमा में अच्छी बात है, इसलिए रथ यात्रा में एक बार जगन्नाथ जी को पुरी में जानी चाहिए। शास्त्र में बताया रथे वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर जगन्नाथ जी को एक बार कोई रथ के ऊपर दर्शन कर ले, शास्त्र कहता है, फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर जगन्नाथ जी बड़े खुश रहते। बोले क्यों? बोले जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं अपना ब्रजवासियों से, राधा रानी से, गोपियों से, पिता माता भाई से, सबसे मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न बड़े खुश रहते हैं जगन्नाथ जी, इसलिए उनको जो मांगो ठाकुर जी वही दे देते हैं। ठीक है ना? इसलिए जगन्नाथ जी दर्शन का बड़ा महिमा है वहाँ पर। इसलिए शंकर जी कहते हैं, भैया अगर मैं भगवान की भक्त होता तो भगवान के विरोध में कभी लड़ाई करता नहीं, करता नहीं, बस भगवान के विरोध में मैं लड़ पड़ता हूँ भगवान के विरोध में। फिर ठाकुर जी फिर समझा बुझा कर दिमाग को ठंडा करते हैं मेरे, हाँ ठंडा करते हैं। फिर कहते हैं ठाकुर जी, अब शंकराचार्य का नाम सुने होंगे, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो हमारी सनातन धर्म की रक्षा करता है, हैं ये आदि शंकराचार्य, इनको ही भगवान ने आदेश दिया था ये मायावादी को, मायावाद जो फिलोसफी को वर्णना करने के लिए। मायावाद फिलोसफी मतलब होता है जीव ही शिव, जीव ही ब्रह्म है, जितना जगत में जीव सबके सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है, तत्त्वमसि तुम वही हो, हैं तुम वही हो, हैं इसलिए अहम ब्रह्मास्मि में ही ब्रह्म हूँ। उनका जो फिलोसफी भगवान निराकार निर्विशेष ज्योति हैं, और लास्ट में अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लास्ट में लीन कर दो, ये इनका फिलोसफी है। इसलिए ये शंकराचार्य जी वर्णना किया, कदि ये भक्ति की संपूर्ण हानिकारक है। इसलिए शंकर जी कहते हैं अगर मैं भगवान का प्रिय होता तो भैया कभी मेरे से ठाकुर ये काम करवाते, कभी जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, जीव ही भगवान, कभी मैं इस सब बात को बोलता ठाकुर जी इस सब काम हमसे इस सब काम करवाया ठाकुर जी हैं, इसलिए मैं ठाकुर का तो एकदम भक्त है ही नहीं, मेरे अंदर में भक्ति की भाव ही मेरे नहीं। इसका मतलब ये मत समझो शंकर जी में भक्ति नहीं, भक्ति है, क्योंकि भगवान की अत्यंत प्रिय है। क्यों इनको द्वारा ये काम कराए? बोले ये काम को शंकर जी के बगैर कोई कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकते, ये अकेले ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जो इनकी बात को लोग मान लेंगे स्वीकार कर लेंगे, इसलिए भगवान ने शंकर जी को इसलिए चुने हैं, हैं? इसलिए जब उन्होंने ये बात को बताए, इतने में शंकर जी कहते हाँ भक्त देखोगे ना? बोले हाँ। बोले कहाँ? बोले वैकुंठ जाओ, वैकुंठ जाओ, वहाँ पर जितने भक्त भगवान के ना, फिर उनको देखोगे ये कितने
भगवान की प्यारा है। कहते जो वैकुंठ में जितने सब भक्त हैं, कहते सबका चार चार हाथ है। कितने कितने हाथ है? जितने देखोगे वैकुंठ में जितने भक्त है उनका सबके सब चार चार, इनकी चार चार हाथ है वैकुंठ में। और वहाँ पर चार तरह का मुक्ति प्राप्त करके कोई वैकुंठ जाता है। कितने तरह का मुक्ति, क्या क्या है? कहते एक सारूप्य, सारूप्य मतलब भगवान की जैसे रूप, सबको भगवान के जैसे रूप। कहते साष्टी, साष्टी मतलब होता है भगवान की जैसे ऐश्वर्य है ना, इनका भी बराबर इनकी ऐश्वर्य और इनकी सारूप और उनकी सामिप्य। सामिप्य मतलब है सबके सब भगवान के निकट में वास करते हैं। और सालोक्य मतलब उनके एक लोक में ही सबके सब वास करते हैं। इनको चार तरह का मुक्ति इनको प्राप्त है। लेकिन इनको चार तरह का मुक्ति प्राप्त होने पर भी लेकिन ये लोग कैसे हैं, भक्ति को द्वारा इतने पूर्ण हैं, इतने पूर्ण भक्ति को द्वारा। कहते ये लोग जो मुक्ति, जो साजु जो मुक्ति है इसको तुच्छ मानते हैं। और कहते भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि सियात दैवन दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सर्वत आसमान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। ये वैकुंठ में कौन जा सकते हैं? सब नहीं जा सकते हैं। जो भगवान का नारायण का जो परिकर है, जो भक्ति करने वाले, वही केवल वैकुंठ में, वही केवल वैकुंठ में जाएंगे। सब नहीं जा सकते वैकुंठ है, हैं? ये जो वैकुंठ है कहती है मुक्ति लोक से ऊपर, ये मुक्ति लोक से ऊपर ये वैकुंठ है, जहाँ पर जन्म नहीं, जहाँ पर मृत्यु नहीं, जहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होंगे, जहाँ पर कोई शोक नहीं, मोह नहीं, जहाँ पर कोई कभी मरेंगे नहीं, जहाँ पर जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, इसके ऊपर श्री वैकुंठ लोक है। कहते ये भगवान की भक्ति प्राप्त करके ये लोग कहते चार तरह का जो धर्म अर्थ और काम है, ये जो त्रिवर्ग, कहते यहाँ तक भी जो मुक्ति धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा, ये लोग तो चाहते हैं कब भगवान कृपा करके भक्त लोग हमें अपना सेवा में लगाए। और जो मुक्ति के लिए ज्ञानी लोग बड़े कष्ट करते हैं, मुक्ति क्या करता है, गेट को बाहर हाथ जोड़ करके खड़ी रहती हैं, हैं? ये कब हमें कृपा करके अपना ठाकुर को सेवा में लगाएंगे। ऐसे वैकुंठ वासियों का इतने भक्ति है, इनके अंदर में इतने महिमा है। कहते वैकुंठ में कहते वहाँ पर जितने पशु है, जितने पशु है और वहाँ पर जितने पक्षी है, जितने वहाँ के वृक्ष है, हैं? कहते ये सबके सब मुक्त महापुरुष और वहाँ पर सबके सब ये लोग भजन करते हैं वैकुंठ में। जैसे हमारे पेड़ पौधा लता पता इनका तो अचेतन है, हैं? ये सब अचेतन वहाँ पर ऐसे नहीं, इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। जैसे यहाँ पर डाल डाल और पात पात में कहते राधे राधे कहते वृंदावन में, उसी तरह ये वैकुंठ का भी जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये लोग भी, ये यहाँ का जैसे नहीं, ये लोग भी भगवान की नारायण का नाम लेते हैं, नारायण की ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, ये लोग भी भगवान की भजन करते हैं। कहते हैं वहाँ के कहते सबके सब भगवान को साथ में क्रीड़ा करते हैं और ये सबके सब भगवान की नाम संकीर्तन करते हैं। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी वो इतने प्रसन्न रहते हैं वैकुंठ में, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उनका एक बूंद आनंद को साथ में बराबर नहीं कर सकते। करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी इतने आनंद कहाँ पर, श्री वैकुंठ लोक में। तब श्री नारद जी यहाँ पर कहते हैं, हैं? ये नारद जी यहाँ पर ये कह रहे हैं, बोले देखो इसी जगत में
अगर कोई सचमुच से कोई नारायण का कोई भक्त है किसी मरते जगत में, कोई अगर सचमुच से कोई नारायण का भक्त है, कहते वो भी इसी मरते जगत में इतने प्रसन्न रहते हैं, इसी मरते जगत में रहते हुए भी इतने खुश रहते हैं, जैसे उनको लगता है जैसे हम वैकुंठ लोक में रह रहे हैं, भगवान के धाम में रह रहे हैं, इसी जगत में भी रहते हुए इतनी इनकी महिमा इनकी अंदर में। इसलिए कहते वहाँ की महिमा बता, श्री नारद जी भगवान से पूछे, बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, भगवान क्या कहते हैं, बोले ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मत भक्ता जत गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद भगवान खुद कहते, बोले नारद दुनिया कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं जोगियों का हृदय में रहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले प्रभु कहाँ रहते हो, बोले मेरे को एक जगह में पाओगे जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं कथा करते, मैं वही रहता हूँ। मतलब यहाँ पर जो शुद्ध रूप में भक्ति करते हैं, शुद्ध रूप में जब भक्ति करते हैं ना, इसी जगत का कोई तृष्णा जन्म मृत्यु से भी वो ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं। इसलिए नारद जी कहते इसी मरते जगत में जो भक्त नारायण की ऐसे भक्ति में डूबे रहते हैं जैसे ये माया जगत से ऊपर, जैसे हमारे संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी, नाम सुने कि नहीं, माधवेंद्रपुरी ये किससे कोई चीज नहीं मांगते थे, खाने के लिए कोई चीज नहीं मांगते थे, अगर अपने आप कोई दे दिया तो खा लिया, नहीं तो किससे मांगते नहीं, फिर प्रश्न करते हैं, फिर खाते थे, फिर क्या, नाम से अमृत निकलता था, इसलिए उसी को पान करते हुए उनको कोई भोग तृष्णा उनको नहीं था, भोग तृष्णा से वो अतिथि थे। रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम जानते हो, सुने कि नहीं, ये कहाँ रहते थे, राधा कुंड में भजन करते थे, क्या खाकर भजन करते थे, इतना एक चूल भर मट्ठा पी लेते थे, इतना केवल एक चूल भर मट्ठा पी लेते थे, इतना चूल भर मट्ठा पीकर आप दिन भर रह सकते हो, बोलो इतना मट्ठा पी लो दिन भर रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, केवल इतना सा मट्ठा पी करके 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भजन करते थे, भक्ति करते थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी का नाम जानते हो, वो कैसे भजन करते थे, बोले कभी चाना कभी वो भी मना, मतलब कभी थोड़ा चाना छिपा करके खा लिया, कभी अगर मिला नहीं तो खाई नहीं, खाई नहीं। जीव गोस्वामी क्या करते थे, भूख लगे तो जो राख होता है ना उसको पानी में घोल कर पी लेते, आप पी सकते रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, है। इसलिए कहते हैं, कहते इसी जगत में भक्त लोग इतने, जब भजन सही सही कोई भजन करे, इनकी भजन का स्थिति इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है, और इसी जगत में रहते हुए भी मानो इसी जगत में नहीं रहते। जैसे हमारे भक्ति सिद्धार्थ तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, नाम सुने कि नहीं, इनके दो चीज किसने कभी देखा ही नहीं, जानते हो दो चीज क्या है, कभी सोते हुए उनको किसने नहीं देखा, कभी खाते हुए उनको किसने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, इनको खाते हुए कभी किसने नहीं देखा, इनको सोते हुए भी कोई किसी ने नहीं देखा, कब सोते थे कब जगते थे किसको पता नहीं चलता था। हाँ, और एक चीज, इनका जो बाह्य शौच क्रिया है ना, पायखाना और पेशाब, इनको किसी ने नहीं देखा, पेशाब करते हुए पायखाना करते हुए कभी इनको किसने देखा ही नहीं इनको। ऐसे ऋषभ देव का नाम, ये बहुत बड़े संत थे, जब ये पायखाना करते थे ना बहुत बड़े, कहते उनका जो विष्ठा की जो सुगंध कितने मील तक उनमें रहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूपता प्राप्त करके रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी भगवान का धाम को जाना चाहते हैं। बोले फिर क्यों, भगवान का धाम को फिर क्यों जाना चाहते हैं, यहीं पर तो वैकुंठ में यहीं पर रहते हुए तब तो उनको वैकुंठ की भगवत लोगों की आनंद मिलता, फिर क्यों जाना चाहते हैं भगवत धाम में। बोले कारण है ठाकुर जी को कृपा, ठाकुर जी को साथ में लीला, ये सब डायरेक्ट करने को मिलता है, इसलिए भक्त लोग कभी कभी भगवान का धाम को जाना चाहते, ठाकुर जी का धाम को जाना। जब उन्होंने ये सब कथा महिमा उन्होंने बताया ना, जब उन्होंने महिमा बताई, बस इसको सुनते ही श्री नारद जी को मन में इतने उत्साह आया, बोले क्या वैकुंठ में ऐसे स्थिति, बोले हाँ, बोले फिर तो वैकुंठ जानी चाहिए,
अरे वैकुंठ में सबसे भगवान की प्रिय भक्त कौन है? आप बोलो, भगवान की वहां पर सबके सब भक्त है भगवान की, लेकिन भक्तों में सबसे प्रिय भक्त भगवान का कौन वहां पर है? बोलो। हाँ, माता जी बड़े बुद्धिमान है। भगवान की सबसे जो प्रिय भक्त ये माँ लक्ष्मी है। जैसे कृष्ण के सबसे बड़े आराध्य देवी श्री राधा रानी, कहते लक्ष्मी वहाँ के जितने भी सब भक्त हैं वहाँ पर, जय विजय है, सुनंद आदि सब भक्त हैं, लेकिन होने पर भी जो सबसे जो भगवान की प्रिय भक्त श्री माँ लक्ष्मी, जो हर समय नारायण के चरण को अपना गोद में लेकर के दिन भर ठाकुर जी के चरण की सेवा करती रहती है लक्ष्मी, इसलिए सबसे बड़े प्रिय लक्ष्मी। जब नारद जी को ये बात सुने, बोले नारद, बोले वैकुंठ जाना ही पड़ेगा, जा करके देखना पड़ेगा कितना कैसे भक्त। इतने में नारद जी अपना बिना उठाए और बिना उठा करके क्या किया, कीर्तन करते 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 वैकुंठ जाना चाहते हैं। बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हेताई लोग हरि बोल 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 हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब नारद जी वैकुंठ जाना चाहते थे बड़ी उत्साह पूर्वक, इतने में शंकर जी कहते नारद तुम क्या पागल हो गए हो, वैकुंठ जाने के लिए इतने उतावला हो रहे हो, देखो तेरे को एक रहस्य बात बताता हूँ। बोले बताओ। बोले वही नारायण ही अभी द्वारका में भगवान कृष्ण हैं, और उनकी जो अंश उनकी अंश रूप में जो लक्ष्मी कहते जो रुक्मिणी है वही लक्ष्मी माँ लक्ष्मी रुक्मिणी है, कृष्ण का अंश ही नारायण है। अभी वो द्वारका में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? अभी वो द्वारका में निवास कर रहे हैं। बोले और एक बात बताता हूँ। बोले क्या है? बोले देखो ये ठाकुर जी स्वयं एक बात को बताते हैं।
मतलब क्या बताते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं ना अहम आत्माना मा ससे मत भक्तय साधु वीर बिना श्रीय मात्यांतिकम बापी जैसाम कति हरम परम। भगवान कहते हैं कहते मैं अपना भक्तों भक्त ही मेरा जीवन है, भक्त ही मेरा प्राण और जीवन ही भक्ति है, भक्त हैं, इसलिए मैं साधु को छोड़ करके और किसी को मैं इतना प्रिय मेरे को नहीं लगता है। और मत कहते अपना अपनी अपना को और लक्ष्मी को भी इतना प्रिय मैं नहीं मानता हूँ जितने मैं अपना भक्तों को श्रेष्ठ मानता हूँ। भक्त ही मेरा प्राण है, इसलिए हमारी उड़िया में एक भजन है एका तो भक्त जीवन, मतलब भक्त ही भगवान की प्राण जीवन धन, भक्त ही भक्त के लिए भगवान ये सुदर्शन चक्र गदा पद्म शंख चक्र क्यों धारण करते हैं, कहते केवल मैं भक्तों के लिए ही ये सब कुछ मैं धारण करता हूँ। इसलिए कहते भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जितने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जब हम लोग जयकार देते हैं ना, हम लोग जयकार देते हैं भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की, जोर से बोलो भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की, हम लोग भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद को हम कहते हैं ये भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री प्रह्लाद महाराज हैं। ये प्रह्लाद महाराज भक्त में ये सर्वश्रेष्ठ, भगवान खुद कहते हैं ये मैं अपना प्रह्लाद को जितने प्यार करता हूँ इतना ब्रह्मा जी को नहीं करता हूँ, इतना शंकर जी को नहीं करता, भगवान कहते अपना लक्ष्मी को भी इतने प्यार नहीं करता हूँ, ये प्रह्लाद को मेरा इतने प्यार है। कारण क्या, केवल 5 वर्ष वयस में, 5 साल उम्र में, उस समय तो बचपना रहता है, 5 वर्ष वयस कितना उम्र होता है बताओ, इतना छोटा बच्चा होता है बचपना रहता है, लेकिन उसी समय में इतने दृढ़ भक्ति उसके अंदर में, उसको इतने दृढ़ भक्ति बचपन में पिता मारने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन भगवान की भजन उसने नहीं छोड़ा, भगवान की भजन नहीं छोड़ा। अगर हम भगवान की भक्ति करना थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आ जाए तो ठाकुर को एक तरफ रख लेंगे, भगवान भजन किया ठाकुर हमारे साथ में ऐसे किया ठाकुर जी, लेकिन इतने छोटा बच्चा और इतने दृढ़ भक्ति, इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रह्लाद मेरे बड़े प्रिय है, प्रह्लाद मेरे बड़े प्रिय भक्त श्री प्रह्लाद महाराज की जय। इसलिए यहाँ पर भक्त की महिमा भगवान स्वयं गाते हैं, बोले किसको सामने भक्त की महिमा गाए, बोले श्री दुर्वासा को सामने, जब दुर्वासा को पीछे सुदर्शन चक्र पीछा किया, पहले उन्होंने ब्रह्मलोक में गए, फिर शिव लोक में गए, फिर उन्होंने कहाँ पर गए, वैकुंठ में गए, जब वैकुंठ में गए तो ठाकुर जी स्वयं अपना भक्तों की महिमा को ठाकुर जी स्वयं गाते हैं, क्या कहते हैं, बोले अहम भक्त पराधीन जय स्वतंत्र इव दिज साधु भी ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। बाबा ये तो पंडित लोग बैठे सब श्लोक बोल रहे हैं, हाँ इसलिए भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीन मैं भक्तों का मैं अधीन हूँ, हाँ ही असन तत्र मेरा कोई भक्तों के सामने मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, भक्त जैसे बोलते हैं मैं वैसे करता हूँ, बोले साधु भी ग्रस्त हृदय, कहते जो साधु मेरे हृदय को संपूर्ण ग्रास कर लिया भक्त लोगों ने, मेरे हृदय को पूरा अपना अधीन बना लिया भक्त लोगों ने, बोले भक्त की बात छोड़ो भक्त ही भक्त, कहते जो भक्तों का जो भक्त है वो भी मेरे प्रिय हैं। और हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं यदि हईताम भक्त घरे कुकुर ऐठ दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर, ध्यान देखो सुनो, कहते भक्तों के घर में कुत्ता भी बनना बड़ा भाग्य की बात है, पता कुत्ता क्या खाता है, लास्ट में जो चीज हमारा बच जाता है उसको कुत्ता के सामने डाल देते हैं। यहाँ पर कहते हैं अगर भक्त घर में कुत्ता भी बन जाएगा ना उसका भी बड़ा पार है, बोले क्यों, सबसे पहले भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, है ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी को भोग पास राधा रानी फिर भोग पाएंगे, उसको बाद में ललिता विशाखा पाएंगे, उसको बाद में प्रभुपाद गुरुदेव लास्ट में हम पाते हैं। अगर हमें कोई बोलता है ना प्रसाद तो हम सहज में नहीं देते हैं प्रसाद, प्रसाद नहीं देते हैं, लेकिन क्या करते हैं जो बच्चा हुआ प्रसाद वो फेंक देते हैं, जब फेंक देंगे उसको कौन खाएगा, कुत्ता खाएगा, तो समझो ये कुत्ता कितना सौभाग्यवान
कहती है कुत्ता कितने सौभाग्यवान, सबका प्रसाद किसको मिला बताओ, कुत्ते को मिला, समझो वो कुत्ता कितना भाग्यवान बताओ। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अगर संतों के घर में, भक्तों के घर में अगर हम कुत्ता भी बन जाएगा ना, बस एंठो दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर, एंठो मतलब झूठा। कहते अगर संतों की झूठा जो शीत प्रसाद है, नारद जी कहते हैं इतने जल्दी से जल्दी मेरे को भक्ति कैसे मिली, बोले केवल एक कारण से, संतों की सेवा से और संतों की शीत प्रसाद से, केवल ये दो कारण से मेरे को इतनी जल्दी भगवान की भक्ति और इतने बड़े संत बने। इसलिए संतों घर में कुत्ता बनना भी सौभाग्य की बात। इसलिए कहते भगवान भक्तेरि भक्त, जो मेरे भक्तों का भक्त है ना, भगवान क्या कहते हैं, जे में भक्ता जना पार्थ न में भक्तास्ते जना, जो कहते हैं हम भगवान की भक्त है, भगवान का तो मेरा भक्त नहीं है, कहते मेरे असली भक्त कौन, बोले मेरे भक्तों का जो भक्त है ना मेरे वही असली भक्त है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं संतों की कितने महिमा, भगवान कहते हैं बोले मई निर्बंध हृदय हैं, कहते भक्त लोग तो मेरे को अपना हृदय में बांध लेते हैं, बोले वस्य कुर्वन्ती माम भक्त्या सत पत्नी सत पतिम यथा, जैसे एक पतिव्रता नारी पति की सेवा करते 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 इतने वशभूत कर देती है ना, उसकी अंगुल पर पति उठता ही बैठता है, बैठते नहीं आप लोग, उठते ही बैठते कि नहीं बताओ हैं, पति सारे पैसा कमाएगा, पैसा सारे कमा करके किसको देगा, अपना सेठानी को देगा, पत्नी को, अगर पत्नी से पैसा मांगे 100 रुपया दो तो पत्नी बोलेगा इतना पैसा क्या करोगे, इतना पैसा बोलिए काम, बोले इतना पैसा की जरूरत नहीं, 50 रुपया भेजा लो, पैसा तुमने कमाया धमाया तुमने और दे दिया पत्नी के हाथ में, अगर कुछ पैसा मांगो ना 100 कैफत देना पड़ेगा, पैसा इतना क्या करो, क्या करो, क्यों इतना पैसा ले जा रहे हो, कारण क्या बताओ, कारण है वो सेवा करती हैं, पति को पूर्ण विश्वास है अगर पत्नी को हाथ में पैसा जाएगा तो ये सही सही पैसा को व्यवहार कभी बर्बाद नहीं कर, घर तो वही चलाती है ना, पति तो काम करके पैसा कमाता है लेकिन घर चलाने वाले कौन है, पत्नी घर चलाती है। इसलिए बोले कारण क्या, बोले पति को सेवा करती हैं, वही खिलाती पिलाती सब कुछ वही करती हैं, इसलिए भगवान कहते हैं भक्त मेरी सेवा करते 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 इतने वशीभूत कर देते हैं। भक्त कहते उठो तो मैं उठता हूँ, कहते बैठ, अगर मैया बोले काना सो जा, कृष्ण सो जाते कि नहीं, काना मक्खन खा ले नहीं खाएगा, दो थप्पड़ लगा दे मैया, मैया दो थप्पड़ लगा देगी कन्हा को, हाँ नहीं पेट भर के खा नहीं, ठीक से खा, कृष्ण अगर थोड़ा कम खाएंगे ना, बोले ठीक से खा, अरे पेट भरा नहीं, जोर जोर करके खिलाते, कृष्ण खाते कि नहीं, हाँ बोले बढ़ जाते हैं, उठ जा उठ जाते हैं, चल पड़ते हैं, बोले क्यों, कारण किया सेवा, कारण क्या है सेवा। इसलिए भगवान कहते भक्त मेरे को ऐसे वशीभूत कर देता है, बस उनका भक्तों का बस में, उद्धव का प्रति भगवान कहते हैं बोले उद्धव ये भक्त मेरे इतने प्रिय है ना, मेरे बेटा जो ब्रह्मा, बेटा कितना प्यारा होता है, भगवान कहते मेरे बेटा ब्रह्मा भी इतना प्यारा नहीं, बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, हरि हर एकात्मा जो शंकर जी, कहते शंकर भी मेरा इतना प्रिय नहीं, कहते उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन, अपना बीवी, घर में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो अपना बीवी को लेकर अलग हो जाते हैं, कहते मेरी पत्नी लक्ष्मी भी इतने प्यारी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रिय कौन है, कहते मेरे दाऊ भैया बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न, ये भी इतना प्रिय नहीं, बोले इनकी बात छोड़ो मेरा आत्मा भी इतना प्रिय नहीं, ये भक्त मेरे जितने प्रिय है। इसलिए और भक्त में सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, कहते श्री प्रह्लाद महाराज, हाँ यहाँ पर कौन कह रहे हैं, यहाँ पर शंकर जी नारद जी को कह रहे हैं। इसलिए ये प्रह्लाद भगवान कितना प्यारा भक्त है, इनसे जैसे प्यारा भक्त है तो जगत में कोई नहीं, अगर तुम देखना चाहते हो ना जाओ कहाँ, बोले सुतल लोक में, कहाँ रहते हैं प्रह्लाद जी, ये सुतल लोक में रहते हैं, वहाँ पर तुम जाकर प्रह्लाद को जाओ दर्शन कर वहीं पर। लेकिन देखो नारद जी एक काम करियो, क्योंकि नारद जहाँ जाता है सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रह्लाद को प्रणाम नहीं करना, बोले क्यों, बोले तुम्हारे चेला तो नारद है ना, किसका चेला है, किसके चेला है प्रह्लाद, किसका चेला है, नारद जी की चेला, अगर गुरु जी आकर के अगर चेले को चरण छूना अच्छा लगेगा थोड़ी, चेला तो नाराज हो जाएगा ना,
इसलिए कहते हैं वहां पर तो जाना लेकिन उनको प्रणाम नहीं करना, जाकर के जैसे प्रणाम करते हो हैं, प्रणाम उनको प्रणाम नहीं करना। ठीक, नारद जब सुने बास उठाया अपना वीणा, हाय भगवान के नाम कीर्तन करने लग गए। और अभी हमारे चिराग प्रभु जी कल से बावन गोस्वामी महाराज के कुछ कथा सुना रहे थे, अभी आ जाओ। और नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, बोलो पीछे पीछे, कृष्णा 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 हरे हरे, माइक ले लो, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वाणी के दिव्य प्रसाद स्वरूप हम लोग कल श्रीपाद बामन गोस्वामी महाराज जी का जो चरित्र है उसका कुछ अंश हम लोगों ने श्रवण किया। आज फिर से श्री गुरुदेव की आज्ञा हुई कि शेष चरित्र जो है मैं उनका उसमें से कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए कल हम लोगों ने श्रवण किया था श्री महाराज जी की अनुपम 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 सेवा निष्ठा, महाराज जी की अनुपम सेवा निष्ठा जिसके लिए शब्द भी शब्दों के समूह भी समस्त शब्दों को दंडवत करते, ऐसे शब्दों के समूह महाराज तर्कश यदि शब्दों के समूह में से यदि शब्द प्रस्तुत हो जाए तो भी महाराज शब्द रूपी बाणों के दिव्य सेवा के दिव्य संयोग को दे सेवा के दिव्य प्रकल्प को और सेवा में निष्ठा को कहने में मुख से समर्थवान नहीं भैया, उनकी सेवा में निष्ठा अद्भुत है। अच्छा एक और बात है, ठाकुर जी जो है वो वशीभूत कब होते हैं, ठाकुर जी दो बातें हैं, ठाकुर जी एक तो संतोष करते हैं, एक वशीभूत होते हैं। संतोष कब करते हैं ठाकुर जी, जैसे कोई यज्ञ करे महाराज, ये योगी जन होते हैं और जो अपने जो धर्म है स्वधर्म है उसका निरंतर पालन करता है तो ठाकुर जी केवल संतुष्ट होते हैं,
पर ठाकुर जी महाराज वशीभूत नहीं होते हैं। वशीभूत कब होते हैं? जब तन मन प्राण से केवल और केवल श्री भगवान के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के उनकी सेवा में, उनके प्रियजन, उनके वैष्णवों की सेवा में व्यक्ति रत होता है, केवल और केवल ठाकुर जी, तभी महाराज परम जो है परम वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान कभी ये थोड़ी ना, भगवान हमेशा ये कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, कभी भगवान ने कहा अहम योगी पराधीन, अहम तपी पराधीन, नहीं, अहम भक्त पराधीन। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, अरे सेवा करे करूँ मैं सेवा, हूँ भगतन को दास। हाकू पैल पनु गढ़वारो, अर्जुन को रथ हाक, यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इसीलिए महाराज इनको एक बार 103 बुखार हो गया, श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज जी को, और जो पाकशाला में ठाकुर जी का जहाँ भोग बनता है, वहां पे वो सेवादार जो था, जिसकी पाक बनाने की, ठाकुर जी का भोग बनाने की सेवा थी, उसको कहीं जाना पड़ गया, तो महाराज 103 वो सेवा में कैसी अद्भुत निष्ठा है। इसलिए तो ये भगवान के परम भगवान को विभूषित करने में, महाराज भगवान को वशीभूत करने में इनका बड़ा योगदान है, वैष्णवों को वशीभूत किया है इन्होंने अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, सारी सेवा इन्होंने बुखार में ही खुद करी है। और महाराज जब सारी सेवा इनकी हो गई, सारा भोग बनाया, ठाकुर जी को पवाया, प्रसाद वैष्णवों को पवाया, उसके बाद इनका बुखार स्वतः ठीक हो गया। एक बार महाराज क्या हुआ, ये आसाम में थे, तो आसाम में थे तब क्या हुआ, जो गौड़िया मठ है बंगाल में, तो एक बार वहां पे जो सेवा करते थे ठाकुर जी की, एक बार महाराज उन्होंने भोग लगाया ठाकुर जी को, तो वो भोग अधिक जल गया था, भोग अधिक तापित हो गया था, तो वामन गोस्वामी महाराज जी असम में थे, जब वे असम में थे तो उनको सपने में साक्षात श्री राधा रानी ने दर्शन दिए। सपने भानु की दुलारी बोली, भोग धरायो पर प्यारे जू नहीं पायो है। सपने में वामन गोस्वामी महाराज जी के साक्षात श्री जी प्रकट हुई, कहा हे वामन, आप जानते हैं आज मेरे प्यारे श्री कृष्ण ने भोग नहीं पाया है, प्रसाद नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि वो जो भोग है वो अधिक जल गया है। तो श्री वामन गोस्वामी जी ने ये सुना, सपने में प्रकट होई वृषभानु की दुलारी बोली, भोग धरायो पर प्यारे जो नहीं पायो है, साधु भात अधिक तापित करी, कैसे पावे श्री राधा हरी, उदास होए बोली श्री वामन को जगायो है। ऐसी भई ग्लानि, जैसे ही वामन गोस्वामी महाराज जी ने सुना, उनके मन में ऐसी ग्लानी हो गई, महाराज छटपटा उठे वामन गोस्वामी, ऐसी भई ग्लानी मुख निकसी नवानी, श्री वामन ने ठानी तब आश्रम में धायो है। जब मन में हुआ कि राधा रानी और श्री गोविंद ने भोग नहीं पाया है, अधरामृत उन्होंने नहीं पाया है, प्राप्त नहीं हुआ है उनको, तो महाराज इतने दुखी हो गए, तुरंत तत्काल टिकट कराया और महाराज तुरंत मठ में आए। जब मठ में आए तो महाराज अति क्रोधित, क्योंकि भगवान की सेवा में लोभ हो गया, ये कैसे सहन करेगा महाराज। जैसे कोई व्यक्ति खूब चकाचक पाता है ना, वही दूसरों को पवा सकता है, और महाराज कोई बिल्कुल थोड़ा सा अल्पाहारी हो तो वो दूसरे को भी कभी ही पवा पाएगा, लेकिन ये सेवा खूब करते हैं तो सेवा में त्रुटि कोई और करे तो कैसे बर्दाश्त करे। तो महाराज जी बहुत गुस्सा हुए, जैसे गए तो जाकर के मठ में इन्होंने जोर से कहा, कौन दियो भोग है वो सेवा में अयोग्य, दो दिवस से प्यारे प्यारी भूखे ही सुवायो है। दो दिन हो गए श्री राधा गोविंद दोनों भूखे ही सो रहे हैं,
दिया दिए सेवा से निकाल, सेवा खुद ही संहार, दिव्य भोग लक्ष युगल को भाव से पवायो है। उसको हटा दिया सेवादार को, तू जा, सारा का सारा भोग इन्होंने स्वयं बनाया और दिव्य भाव से श्री राधा गोविंद को दिव्य मनोरथ करके स्वयं पवाया। महाराज ऐसी दिव्य सेवा है, ऐसे वामन के चरणन में, ऐसे वामन के चरणन में हम कोटि कोटि बलिहारी, श्री वामन को स्वामी पाद सदा साधक के परम हितकारी। हाँ ऐसे वामन के चरणन में, ऐसे वामन के चरणन में कोटि कोटि बलिहारी, श्री वामन को स्वामी पाद सदा साधक के परम हितकारी। महाराज जी ऐसे दिव्य, महाराज जी साधना कैसे करनी चाहिए, साधक का क्या कर्तव्य है, इसकी शिक्षा उन्होंने महाराज प्रस्तुत होकर के स्वयं शिक्षा मूर्ति है उन्होंने दी। अच्छा, इनके अन्य प्रकार के और भी दिव्य महाराज सदगुण से, ये तो गुणाती है महाराज जी, गुणों से अलंकृत है, कल बताया था ना, अब प्राकृतिक गुणों से सुशोभित है। एक बार क्या हुआ महाराज, ये इनको न्यायालय के काम से, कोर्ट के काम से जाना पड़ गया मठ से। तो जब ये गए मठ से, तो महाराज जब वापस लौट रहे थे तो जंगल में से लौट रहे थे, जब जंगल में से लौट रहे थे तो इन्होंने देखा, रास्ते में देखा तो बहुत सुंदर श्रृंगार हो रखा है, साज सज्जा सजी हुई है, बैंड बाजे बज रहे हैं और महाराज शादी का सा माहौल है। जब इन्होंने देखा इतनी रात और जंगल में ऐसी शादी का माहौल, तब महाराज इनको देख करके वहां के जो लोग हैं शादी में आए हुए, उन्होंने इनको बुलाया और इनसे अनुग्रह किया, इनसे प्रार्थना करी कि आप इन दोनों दंपतियों का गठजोड़ करा दीजिए, आप इन दोनों दंपतियों का विवाह करा दीजिए। एक बार महाराज जब इनको कहा कि आप इन दोनों का विवाह करा दीजिए, तो उन्होंने बड़े ही विधि विधान से इनका विवाह कराया। एक बार वामन को स्वामी कृष्ण नाम परमानुरागी, न्यायालय से लौटत वारी, वन में देख्यो सज्जा न्यारी, विवाह स्थल बज रहे मंगल वाद, किया जन ने उनको अनुरोध, कराओ दंपति का गठजोड़, करवाया विवाह तब तीनों भेंट खुश होत, चले श्री वामन शिष्य ग्रह अति शीघ्र गए तहां पहुंच। जब इन्होंने विवाह करा दिया तो उसके बाद उन्होंने इनको अप्राकृत महाराज नॉन सीजनल फ्रूट्स दिए, नॉन सीजनल मतलब वो ऋतु के अनुकूल फ्रूट्स नहीं थे, उनको वो दिए। एक घोड़ा गाड़ी में इनको बिठाया और बिठा करके इनको पहुंचाया। महाराज जिन शिष्य के इनको यहाँ जाना था, ये मात्र 5 मिनट में वहां पहुंच गए। जब पहुंचे, पहुंचने के बाद जब तुरंत पहुंच गए, जब उनके महाराज मकान में जब वे आए, तब उसके बाद उन शिष्य ने पूछा कि आप इतनी रात को कैसे पहुंच गए। तब इनको स्मरण हो गया, इनको तुरंत ध्यान आ गया कि हाँ भैया, ये कोई साधारण दंपति नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन शिष्य ने बताया कि ये जो थे, एक बार विवाह स्थल में बिजली गिर गई थी, तो सारे विवाह स्थल में जितने भी लोग थे, बिजली गिरने से सबकी लगभग मृत्यु हो गई थी, दंपति की भी मृत्यु हो गई थी। तो ये प्रेत योनि में थे और प्रेत योनि में इनका विवाह पूर्ण नहीं हुआ था, तो महाराज मंगल विवाह पूर्ण ना होने के कारण ये प्रेत योनि में थे, आपने इनका मंगल विवाह करा करके इनको प्रेत योनि से मुक्त किया। जब महाराज वामन गोस्वामी महाराज ने ये सुना तो एकदम से समझ गए, अनुभव हुआ नहीं कोई मानुष प्रेत विवादियो साध, गाई में हरि गुरु संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद, वामन गोस्वामी पाद जिनका गौर चरण अनुराग, गाई में हरि गुरु संत सुजस जग प्रगटे वामन गोस्वामी पाद।
एक बार श्री धाम वृंदावन में केसी घाट में कोई साधक जो है ब्रह्मचारी वो स्नान करने के लिए जा रहा था। महाराज कैसे प्रेतों को भी उन्होंने उनकी मुक्ति भी प्रेतों की मुक्ति भी श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज जी ने की। तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन में केसी घाट में वह स्नान करने के लिए जा रहा था, जैसे उसने डुबकी लगाई तो महाराज उसको प्रेत ने पकड़ लिया। आज भी वह ब्रह्मचारी गोपीनाथ भवन में रहते हैं। तो जब उनको प्रेत ने पकड़ लिया तो फिर उसके बाद महाराज वो प्रेत उसको डुबाए डुबाए जा रहा, बड़ी ही मुश्किल से वे छुप करके आए, आकर के अपने कमरे में शयन किया। परंतु वह जो प्रेत था वह नारी का स्वरूप धारण, उसने नारी का स्वरूप धारण किया और भोगवती से इनके साथ भोग करने के लिए। वो जो लड़की थी वो थी दिल्ली में एक लड़की थी, वो ब्राह्मण घर की लड़की थी। वो एक लड़का को प्यार करती थी लेकिन वो लड़का ने उसको धोखे दिए। तो उसने वृंदावन आई थी दर्शन करने के लिए, वो इतने दुखी हो गई, कुछ लड़का धोखा दे दिया, इतने दुखी हो गई उसने केसी घाट में आत्महत्या की थी। और आत्महत्या करके वो प्रेत जोनि में वही केसी घाट तीर्थ में वही रहती थी। जब ये ब्रह्मचारी स्नान करने के लिए गया उसको उसने पकड़ा और उसको घर में आ गया भूत बन करके और उसको साथ में रोज आकर सोया करती थी प्रति। उसके बाद जब उससे पूछा कि तू क्या चाहती है, तब उसने कहा तू तेरी मुक्ति नहीं करा रही तुझे मुक्त होना है। तो उसने कहा हाँ कैसे, इनके दिव्य श्रीपाद वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों तक से, इनके दिव्य चरणामृत से ही मेरी मुक्ति संभव है, अन्य अन्य मेरी कोई गति नहीं है। तो फिर क्या किया उनको, उसको चरणों तक दिया। चरणों तक वामन को लाओ, मोह प्रेत को मुक्त कराओ, होए संत प्रभु के अति प्यारे, कृपा करे प्रेत ही दुखिया रे। तो फिर क्या हुआ, तो मुख में लेत चरणामृत, तब प्रेत धन्य गति होए, ऐसे श्री वामन के चरणन में दास रति होए। ऐसे दिव्य श्री पाद वामन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में हम यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव जनों की दिव्य प्रेम और रति हो जाए। इन्हीं सभी भगवान इसी इन्हीं सभी शुभ मंगल कामनाओं के साथ श्री महाराज जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। वामन गोस्वामी महाराज की ये जो प्रेत पकड़ा है ना, इसकी इतनी लंबी कहानी, ये पूरा सिनेमा बनी जाएगी। हाँ, वो इसको ये ब्रह्मचारी को पकड़ करके प्रेत लोक में ले गए और वहाँ पर दिखाया चार तरह का प्रेत है, उन्होंने बताया चार तरह का प्रेत है, एक तरह का प्रेत नहीं। और कुछ प्रेत अभी उसने बताया अभी भी वृंदावन की प्रेत बन करके परिक्रमा लगा रहे, प्रेत बन करके वृंदावन की अभी भी परिक्रमा, उनका एक ग्रुप भी है उसमें के ब्रह्म दैत्य जो उनका हेड है, हैं वो बड़ी लंबी कथा है, बड़ी लंबी कथा उसकी हैं। फिर बहुत कथा आप इस सुनेंगे ना दंग रह जाएंगे। अभी वो ब्रह्मचारी हमारे जो गोपीनाथ मठ है जो इमली जिला के पास में, अभी वो वहाँ पर वहाँ पर है, आप बोलोगे तो सारी बात बताए एक एक करके। हाँ हाँ बात समझ लेना, ये भागवत धर्म जो है ना ये हमेशा ही
हमें क्या दिखाया है, सत्यवाद को दिखाया है। इसलिए भागवत की सबसे शुरुआत की सत्य के ऊपर आधारित है, जो केवल कृष्ण है, और उन्हीं के अंश से जितने भी देवा देवी है वो असत्य नहीं है, वो अनश्वर है, परंतु कभी भी मजाक के पात्र नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति हमें कहते ना घोड़े बट वाले, तो ज्यादातर चिंता इस बात की होती है कि घोड़े बट वाले तो हमेशा क्या करते हैं, किसी को मानते नहीं है। इसीलिए आप लोग ना उनको काउंटर करके कह सकते हैं कि अगर वास्तव में देवी को कोई पूजा करता है, कोई शिव जी को पूजा करता है, तो केवल वो गौड़ी मठ में ही हो सकता है। इसीलिए गौड़ी मठ वाले वास्तव में शैव है और वास्तव में शाक्त है, जो शक्ति को उपासना करते, क्योंकि चार दिन से हम गुरु जी के मुख से शिव जी की और माता जी की कितनी महिमा श्रवण किया है, किसी ने भी नवरात्र में इतना श्रवण नहीं किया होगा जो वास्तविक श्रवण, और उन लोगों को भी वास्तव में इतना अच्छा लगता होगा कि नवरात्र में एक शुद्ध संतों के मुख से हमारी महिमा भगवान से जोड़ करके की जा रही है, यही उनका विजय उत्सव है, यही विजयादशमी है। इसलिए देखो 9 दिन तक हमने पूजा किया और ला करके नाली के किनारे के ऊपर रख दिया है। क्या माँ ऐसे प्रसन्न होती है? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया उस माँ को हमने ठोकर मार करके अंतिम समय में निकाल दी, यही हमारे धर्म है। इसीलिए भागवत धर्म में किसी भी प्रकार की कोई कपटता नहीं है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, धर्म नामे पृथ्वी ते जत प्रथा चले, भागवत कहता सब परिपूर्ण चले। इस सब हम वास्तव में छल ही छल कर रहे हैं, हमारे काम बनना है, हम काम निकाल लेते हैं, काम सिद्धि, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बस यही बात है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे हमारे परम गुरुदेव की बात कहते थे जब बसंत पंचमी होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं, सरस्वती माता को पूजा करते हैं और ठीक काम खत्म हुआ, देखना जिसका बीए कंप्लीट हो गया, बीकॉम हो गया, बैचलर पीएचडी वगैरह कुछ हो जाता है ना, नौकरी आ गई, कभी वो सरस्वती मंदिर में गया हो? इसलिए हमारे परम गुरुदेव कहते हैं, श्री सुदान जी महाराज जी कहते हैं, सारा सब कुछ क्या है, बिना भागवत धर्म दीक्षित होने का मात्र एकमात्र केवल इसका फल है। हम भागवत को समझे नहीं ना, इसीलिए अगर वास्तव में शुद्ध भक्ति करनी है, भगवान की और देवताओं के भी मतलब जुड़ना है, तो भगवान से जुड़ा अपने आप में, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब देवादेव भी अपने आप में प्रसन्न हो जाते हैं। 2 मिनट में थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ, हरि नाम के ऊपर हम श्रवण कर रहे थे, तो हरि नाम की देखो 2 चीज है, एक महिमा और एक तत्व। जो व्यक्ति महिमा को श्रवण करता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिमा जानने से हमारे हृदय में आदित्यता बढ़ता है, ताकि हमारी रुचि उत्पन्न होती है कि कैसे हम हरिनाम को श्रवण करें। एक बार एक व्यक्ति को किसी ने बोला कि भैया तुम अगर इस दवाई को खाओगे तो तुम्हारा सब रोग व्याधि दूर हो जाएगा। आया उसने दवाई भी लिया, परंतु दवाई की विधि उसको पता नहीं है, तो क्या दवाई उसको सही काम करेगा? पर ऐसा हरिनाम के महिमा में नहीं है। रीज भजो या कीजी यही बात है कि हरिनाम को जैसे भी भजो, जीवा के अग्र भाग में भजो, अंदर अंदर आंतरिक मनन करो, कोई कैसे भी करना है, वो सब कुछ में हरिनाम आपको फल देंगे। परंतु हमेशा याद रखना, हरिनाम की 3 अवस्था है, हरि नाम की बाधक क्या है, कैसे करने में हरि नाम रुचि उत्पन्न होगा, कृष्ण प्रेम, हरि नाम का मुख्य फल क्या है, कौन फल क्या है, इस सब चीजों को हरि नाम के तत्व कहते हैं। हरि नाम में व्यवधान क्या है? व्यवधान 2 प्रकार है, विधि विधान, वर्ण व्यवधान, तत्व व्यवधान। भगवान के नाम करने में तत्व व्यवधान क्या है, वर्ण व्यवधान क्या है। जैसे हम कहते हैं हरे कृष्ण अरे पानी के ग्लास ले आना, हरे राम राम अरे 1 2 3 बोल, तो राम राम करते करते हम राम मन कह दिया ना उसको, कहां राम का नाम लेते थे, कहां मन हो गया, रावण हो गया, तो राम के नाम के बदले हम रावण पे पहुंच गए। तो इसको जो वर्ण है, जो राम अकार मकार ये जो वर्ण है, इसी वर्ण के अंदर कोई व्यवधान आ जाता है तो उसको वर्ण व्यवधान कहते हैं। दूसरा है तत्व व्यवधान, तत्व व्यवधान को समझने के लिए हरि नाम के 2 फल के ऊपर विचार करना पड़ेगा। जो हम ये हरिनाम कर रहे हैं, ये हम इतना विलासा को पूर्ति करने के लिए जगत में आए नहीं है। महाप्रभु गोलोक हरिनाम को गोलोक की वस्तु बताया गया, मतलब गोलोक वस्तु से अपने आप में जड़ जगत प्राकृत जगत सृष्टि है, जैसे वैकुंठ जगत से ही इस जड़ जगत की उत्पत्ति हुआ, कार्य और कारण के रूप में।
जैसे वो कारण रूप में है और ये कार्य रूप है, परंतु अगर हम कोई वस्तु को कारण रूप में भज लेते हैं, कारण रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो कार्य अपने आप में सिद्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, मेरे को 5 रुपए चाहिए, तो अगर आप मेरे को 10 रुपए दे देते ना, क्या मैं आपको फेंक के मार दूंगा कि मेरे को तो 5 रुपए चाहिए था, आपने 10 रुपए क्यों दिया? क्योंकि उसी के अंदर दो दो 5 रुपए है। अगर आपको 5 रुपए खर्च करना है तो उसमें से एक हिस्सा आप रख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम हरिनाम के मुख्य फल जानते क्या है, ये सबसे बड़ी चीज है, कृष्ण फल कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, ये इतनी बड़ी महाशक्ति है, हरिनाम हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम सर्व संपन्न फल स्वरूप जो कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया, क्या उसको स्त्री की पुत्र की धन की नौकरी की चाकरी की आवश्यकता है क्या? इस बात को नहीं जान करके ध्रुव महाराज ने जब भगवत नाम ग्रहण किया, बाद में उनको भी पछताना पड़ा। इसीलिए रूप गोस्वामी क्यों तोड़ तोड़ करके इतने भक्ति की व्याख्या क्यों करी है कि हम इस जगत जीवन में चाहे निष्कपट भावना से प्रार्थना नहीं कर पाए, परंतु इस तत्व को पहले समझ जाए, इस तत्व को समझ जाएंगे एक बार आकर कि हमें मांगना क्या है। ठीक है, हमें जरूरत है भगवान, हमें ये नहीं है हम गरीबी में जूझ रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, ठीक है आप मांग सकते हो परिस्थिति के अनुसार, परंतु आपको पता होनी चाहिए कि मांग तो मैं रहा हूं पर नश्वर वस्तु, मेरे को प्राप्त करना है कृष्ण प्रेम को, ये उसका मुख्य फल है। इससे हटकर कुछ भी मांग लो, चाहे इस दुनिया को पूर्ति करने के लिए मैं बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्ति भी बन जाऊं, किस जीवन जगत में कोई भी भूखा ना रहे, सबके पेट में मैं खाना पहुंचा दो, कहते वो भी तरह उल्लासाएं हैं, केवल कृष्ण को छोड़कर कर और एकमात्र मैं केवल कृष्ण के भक्त बन जाऊं, तो ये सर्वगुण संपन्न फल है कि इसमें जगत भी तृप्त हो गया और कृष्ण भी तृप्त हो गए। इसीलिए इन इन चीजों को इसमें 10 अपराध आते हैं, कभी समय मिलेगा तो एक एक अपराध में भागवत तत्व के अंदर कितने कितने उपाख्यान भी है। जैसे मान लो साधु की निंदा, साधु की निंदा सौन का दी ऋषि बद्रीनाथ में नारद जी को बता रहे हैं, ये साधु निंदा, ये जो स्तुति शास्त्र निंदा, अन्य देवताओं को भगवान के साथ तुलना करना, ये जितने भी नाम अपराध 10 प्रकार के हैं, ये 10 अपराधों को शंकादि ऋषियों ने, शंकादि ऋषियों ने नारद जी को कहते हैं। कभी समय भी लगा, एक एक में कितने कितने स्टोरी है उसको प्रॉपर तरीके से हम समझ सकते हैं। इसीलिए महिमा तो समझो, परंतु ये हरिनाम के ऊपर, तत्व के ऊपर विचार करो, ये अक्षर है, साधारण अक्षर है या ये वैकुंठी वस्तु है, इन चीजों के ऊपर मनन करने से हमारे अंदर बल मिलेगा, ताकि इन शब्दों के साथ हम भगवान की आराधना कर पाएंगे। ये साधारण वस्तु में चिदानंदमय अक्षर तो 10 अपराध है कल प्रभु जी पहला अपराध बताएंगे। पहला अपराध साधु निंदा। हाँ, साधु निंदा नहीं करनी चाहिए। कितने तरह का, कैसे कैसे हैं, कल प्रभु जी रोज रोज एक एक अपराध कुछ पर बोलेंगे हम लोग, सुन ठीक है। कल हमारे प्रभु जी 81 से कल बजाएंगे। कृष्ण नाम तो भजले मनमा भव सागर तर जाएगा, जो न तो ने भजन किया तो Oh,
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय श्री श्री गुरु रंगंदर विकास गिरधारी।